शहतूत मलबेरीज एक पेड़ होता है और इस पर छोटे रसीले नाजुक लाल, काले या सफ़ेद रंग के फल आते हैं जिन्हें शहतूत कहा जाता है। दोस्तों, यह पेड़ ज़्यादातर एशिया, यूरोप और अमेरिका में देखने को मिलते हैं। अगर आप भी ग्रामीण क्षेत्रों से ताल्लुक़ रखते हैं तो यकीनन आपने ये फल तो ज़रूर खाए होंगे। यह फल खाने में जितना स्वादिष्ट होता है उतने ही इसके सेहत को फायदे भी होते हैं। अगर बात करें शहतूत के पोषक तत्वों की दोस्तों, तो यह फल विटामिन सी और के और आयरन, कैल्शियम और पोटाशियम जैसे ज़रूरी पोषक तत्वों का भंडारण है। तो बस करो, बहुत हो गए, काफ़ी हो गए हैं। खत्म भी नहीं हो रहे, लिफाफा भी नहीं भरा है अभी तक तो। अच्छा, तो लिफाफा भर के ले जाना आज पूरा। तो ये देखिए, हमारी जो जीविका है उसने शहतूत कलेक्ट करने स्टार्ट कर दिए हैं और वो शहतूत को तोड़ रही है, जो पके पके हुए हैं ना, बिल्कुल रेड कलर के, उसी को तोड़ना। पापा ये भी मीठे दिखा जरा मेरे हाथ में। वाओ, सो ब्यूटीफुल। ये भी देख सकते हैं दोस्तों है। आप, इतने सुंदर हैं, शहतूत पक चुके हैं पूरे। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, जीविका जो है सभी शहतूत को कलेक्ट कर रही है तोड़कर पेड़ से। तो इसको फ्रूटिंग जो है आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी फ्रूटिंग है शहतूत की। ये देखिए, मैं पास से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। बहुत ही ज़्यादा शहतूत इसे लगे हुए हैं, लबालब बिल्कुल भरा हुआ है शहतूत से। तो पास में सड़क होने की वजह से नॉइस आ रही है गाड़ियों की, तो उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। तो अभी इस पेड़ को दोस्तों आप देख सकते हैं, ये मैं थोड़ा पीछे हटकर इस पेड़ की वीडियो बना रहा हूँ। काफ़ी अच्छी फ्रूटिंग जो है इस पर आई हुई है, ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल लबालब शहतूतों से भरा हुआ है ये पेड़। और इस पेड़ को दोस्तों आप देख सकते हैं, बिल्कुल छोटा सा पेड़ है लेकिन फ्रूट जो है इस पर काफ़ी मोटे मोटे जो शहतूत है वो लगे हुए हैं, जैसे कि हाइब्रिड पेड़ हो, लेकिन ये हाइब्रिड पेड़ नहीं है। ये गांव में जो देसी शहतूत होते हैं ये वही देसी शहतूत है, बट इसको फ्रूट जो है बिल्कुल हाइब्रिड की तरह लगा हुआ है। ये देख सकते हैं आप, काफ़ी मोटे मोटे शहतूत, काफ़ी अच्छी क्वालिटी के लगे हुए हैं इस पेड़ को। जीविका आ जाओ अंदर, आप रुको, मैं आपको तार क्रॉस करवाता हूँ दूसरी साइड से। कितने कलेक्ट हो गए? बस अभी इतने से हुए हैं। चलो मैं भी आपकी मदद करता हूँ थोड़ी फ्रूट इकट्ठा करने में। तो दोस्तों, फ्रूट जो है इतना ज़्यादा पक चुके हैं कि जैसे ही हम इन टहनियों को पकड़ रहे हैं वो वैसे ही टूट के नीचे गिर जा रहे हैं। कोई बात नहीं, ये गंदे थोड़े हुए हैं, ये फ्रूट का जो पल्प है वो हाथों को लग रहा है। हाँ, घर जाके बाद में धो लेंगे। तो अभी हम घर आ चुके हैं, ये देखिए दोस्तों, ये हमने मलबेरी यानी कि शहतूत जो है वो एक बर्तन में निकाल लिए हैं। तो अभी हमने इनको अच्छे से धो लिया है और अब हम इनका टेस्ट चेक करेंगे। पहले जीविका हमारी जो है
इसका टेस्ट करेगी। जीविका टेस्ट करो और बताओ कैसे है, टेस्ट कैसा है इसका? मीठे है। मीठे है? अच्छे लगे आपको? पहले कभी खाए आपने ये? पहले लगे हुए थे पास वाले पेड़ पर, तब खाता था, पर फिर खत्म हो गए और लगे थे फिर। अच्छा, वो पिछले साल खाए थे, पिछले साल भी हम लाए थे ना। तो दिखाओ जरा हमें पास से, नीचे करो इसको। तो दोस्तों ये देखिए, काफ़ी अच्छे फ्रूट है मलबेरी के। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और आप इस चैनल पे नए हैं तो जल्दी से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में लगे हुए बेल आइकन घंटी के बटन को प्रेस करें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर एक न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद दोस्तों। दुकान कैसी बनी?